हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू जे मोटिवेशन। फ्रेंड्स, आज बात करने वाला हूँ यहाँ पर एक नई और टेस्ट सीरीज के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आज हम जानेंगे कि जो है दोस्तों एमटीएस हो गया, एफआरआई का एमटीएस हो गया, या फिर रेलवे की भर्ती हो गई, या फिर दोस्तों इसरो की भर्ती हो गई, जो है एसएससी की भर्ती हो गई, या फिर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स हो गया, कोई भी ऐसे दोस्तों आर्मी हो गई, आर्मी से रिलेटेड हो गई, बैंकिंग की भर्ती हो गई। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जनरल नॉलेज के बनते हैं दोस्तों, और हमें इसकी तैयारी किस तरह करनी चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस, किस तरह के टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछे जाते हैं, उसका एक जो है डेमो पेपर दोस्तों यहाँ पर मैंने तैयार किया है, जिसके अंदर दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो में कम मैं दोस्तों 15 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिए, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों यहाँ पर नई टेस्ट सीरीज के साथ शुरू करने वाले हैं, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज की, रेलवे की वैकेंसी आई है उसमें भी, जो दोस्तों हेल्पफुल है, और दोस्तों एग्जाम पैटर्न एग्जैक्ट यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों एग्जैक्ट वही एग्जाम पैटर्न, उसी एग्जाम पैटर्न के फॉर्मेट में दोस्तों यहाँ पर ये पेपर बनने वाला है। तो दोस्तों ग्रुप वाई की हो गई, या फिर एफआरआई देहरादून की हो गई, एसपीओ की हो गई, दोस्तों जो दोस्तों किसी भी टाइप के अगर आप जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, विद इन वन मंथ के अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट जो निकल रही है उनकी बहुत सारी एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों एमटीएस हो गया, टेक्नीशियन हो गया, या फिर एलडीसी हो गया, किसी भी उसके लिए दोस्तों आप ये सीरीज जरूर देखिए दोस्तों, हर हर किसी जो है एग्ज़ाम में दोस्तों आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों ये जरूर देखिए और शुरू से लेकर लास्ट तक इसको देखना, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो जो दोस्तों नई अपडेट के लिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, आज हम यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश फॉर्मेट में दोस्तों मैंने यहाँ पर तैयार किया है पेपर। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड ऑन मार्च 23, 1931, यानी दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी मार्च 23, 1931। दोस्तों पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपको जब कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ आपको जनरल नॉलेज के अंदर पढ़नी है तो दोस्तों उसमें कब, क्यों और कैसे, ये चीज़, तीनों चीज़ और कहाँ, ये चीज़ आपको याद रखना जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ एक एक क्वेश्चन में ही आपको चार चीज़ें यहाँ पर जानने को मिल जाती है कि दोस्तों एक तो किस किस ने, यानी भगत सिंह ने, राजगुरु ने और सुखदेव ने, तीन तीन लोगों को एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास है कि तीन लोगों को नाम भी आपको दिया गया है। दूसरी इन्फॉर्मेशन कि मार्च 23, 1931 में, यानी वैन का जवाब भी आपको यहाँ पे मिल गया है, और किस वजह से फांसी दी गई थी, तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर डी रहने वाला है, यानी कि फॉर थ्रोइंग बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दोस्तों यहाँ पर क्या किया था, बॉम्ब फेंका था, यानी बीच सभा में आप इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, इसलिए इनको दोस्तों फांसी की सजा दी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तीन जो है नाम यहाँ पे दिए जा रहे हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे द इनकलाम जिंदाबाद स्लोगन वॉज गिवन बाई, यानी इनकलाम जिंदाबाद स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों चार नाम यहाँ पे दिए जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और इकबाल। तो दोस्तों यहाँ पर पहली बात ये बता दूँ कि इनकलाम जिंदाबाद जो स्लोगन दिया गया था वो था हसरत मुहानी जी की ओर से, यानी उनके द्वारा ये स्लोगन दिया गया था, लेकिन जो प्रचलित हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था या चर्चे में आया था वो दोस्तों भगत सिंह की वजह से आया था, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर जो है भगत सिंह यहाँ पर दिया जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ चंद्रशेखर ने भी जो है इनका जो है पूरा यहाँ पर सहयोग किया था। दोस्तों यहाँ पर वास्को डा गामा फाउंड आउट अ न्यू रूट टू इंडिया, भारत आने का नया जो दोस्तों रास्ता यहाँ पे ढूंढा था वास्को डा गामा ने, एंड इन 1498 रीच दी, यानी 1498 में जहाँ पहुंचे थे उस जगह का नाम दोस्तों क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर गोवा जो है वास्को डा गामा के नाम से एक जगह है दोस्तों गोवा में, लेकिन दोस्तों इसका जो आंसर है, अगर बहुत सारे लोग जानते होंगे गोवा में, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे टिक करते हैं गोवा को, लेकिन दोस्तों कालीकट एक ऐसी जगह है जहाँ वास्को डा गामा भारत का एक नया रूट खोजते हुए आए थे, और उस जगह का नाम कालीकट था, जो कि 1498 में जो है दोस्तों यहाँ पर
पहुंचे थे। दोस्तों चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि जनरल बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय, यानी जनरल बजट प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में किसके द्वारा। तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं किया जाता है, लॉ मिनिस्टर के द्वारा भी नहीं किया जाता है, होम मिनिस्टर के द्वारा भी नहीं किया जाता है। जो भी बजट पेश किया जाता है जनरल बजट या फिर कोई भी बजट, तो दोस्तों वो फाइनेंस मिनिस्टर यानी जनरल बजट जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही यहाँ पर पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जाते हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री। दोस्तों द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड फॉर द नॉर्मल टाइम इन ऑफिस, द नॉर्मल टाइम इज, यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि गवर्नर ऑफ स्टेट यानी किसी भी राज्य का गवर्नर होता है जो दोस्तों वो अपॉइंट किया जाता है किसी नॉर्मल टाइम के लिए ऑफिस में। तो दोस्तों उसका जो नॉर्मल पीरियड होता है, नॉर्मल टाइम होता है, वो कितने साल का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड अ नॉर्मल टर्म इन 5 ईयर, यानी 5 साल के लिए दोस्तों यहाँ पर इनको अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों 5 साल के अपॉइंट किया जाता है गवर्नर को, स्टेट कोई भी राज्य का गवर्नर होगा वो 5 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और 5 साल के लिए अपॉइंटेड किया जाता है। दोस्तों छठवां क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, मैरी कॉम इज अ स्पोर्ट पर्सन हु वाज इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग टू, यानी मैरी कॉम जो है एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो किस जो है एसोसिएशन से बिलोंग करती है, यानी किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सुना होगा मैरी कॉम का नाम, वो बॉक्सिंग से यहाँ पर बिलोंग करती है, बॉक्सिंग उनका जो है खेल रहा है, तो वहाँ पे उनका पेशा उनका जो है बॉक्सिंग है। दोस्तों सातवां क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पर, ये है महेश भूपति, नडल और फेडरर वॉज नोन फॉर देयर एसोसिएशन विद, यानी दोस्तों सेम यही स्पोर्ट्स पर्सन में दोस्तों यहाँ एसोसिएशन जो है महेश भूपति का नाम आपने सुना होगा। महेश भूपति जो है किस खेल के द्वारा यहाँ पर जाने जाते हैं, किस एसोसिएशन से के साथ यहाँ पे जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा डी, डी यानी टेनिस के द्वारा, टेनिस उनका एसोसिएशन, टेनिस एसोसिएशन के द्वारा ये जाने जाते हैं। दोस्तों टेनिस इनका खेल रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, द सिटी विच इज कैपिटल ऑफ टू स्टेट्स, यानी ऐसा शहर जो दो राज्यों की राजधानी रहा हो या रहता है दोस्तों, तो वो है यहाँ पर चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ आपका जो है यहाँ पर सही आंसर बना है। दो राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है जिसमें कि पंजाब और हरियाणा। दोस्तों ये भी ध्यान रखें किन किन राज्यों की राजधानी है, यानी हरियाणा और पंजाब, पंजाब और हरियाणा का जो है दोस्तों चंडीगढ़ सेम एक ही सिटी है जो कि दो राज्यों की राजधानी है। दोस्तों नाइन्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, यहाँ पर पंडित भीमसेन जोशी जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। तो दोस्तों वोकलिस्ट यहाँ पे जो है वो गायकार थे, प्रसिद्ध गायकार थे भारतीय संस्कृति के कल्चर के दोस्तों, तो यहाँ पे वोकलिस्ट यहाँ पे ये आंसर यहाँ पे रहना चाहिए, पंडित भीमसेन। दोस्तों ध्यान दीजिए इस, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों नंबर 10th क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ते हैं, तो मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स पर्सन इज एसोसिएटेड विद, यानी मिल्खा सिंह का नाम आपने सुना होगा, इनके ऊपर जो है एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई है। दोस्तों स्पोर्ट्स पर्सन है, किस खेल से रिलेटेड है दोस्तों, तो यहाँ पर एथलीट इनका, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ए, यानी डी इज अ ए, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। फुटबॉल से नहीं थे, हॉकी से भी नहीं थे, बॉक्सिंग से भी नहीं थे, ये थे एथलीट्स, यानी ये एथलीट थे। दोस्तों 11th क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं, फेमस गेटवे ऑफ इंडिया इज इन, यानी जो प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली में इंडिया गेट है, हैदराबाद में चार मीनार है, कोलकाता में भी दोस्तों ये नहीं है, तो ये है मुंबई में, मुंबई यानी महाराष्ट्र मुंबई में ये जो है सिचुएटेड है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। 12th का आंसर दोस्तों यहाँ पे बात करें तो एफिल टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो किस कंट्री में एफिल टावर जो है लोकेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर ना तो यूएसए है, ना यूके है, सी फ्रांस या फिर डी रशिया। तो दोस्तों जो एफिल टावर है वो है पेरिस में, पेरिस जो आता है फ्रांस देश के अंदर, तो यहाँ पे इसका आंसर सी यानी फ्रांस हो जाएगा। दोस्तों 13th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दोस्तों आरबीआई इज एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ, यानी दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबीआई जो है किस तरह का बैंक है, किस तरह का जो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है किस तरह का बैंक है, देश का सबसे बड़ा बैंक दोस्तों यहाँ पे आरबीआई यहाँ पे, तो ये है एक वाणिज्य या व्यावसायिक बैंक, यानी व्यावसायिक संबंधित बैंक दोस्तों यहाँ पे ये रहता है, यानी कि डी यानी अ कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल होता है दोस्तों वाणिज्य संबंधी, यानी जो कि लेन देन का काम करता है दोस्तों, उसको बोलते हैं वाणिज्य यानी कर, कोई भी वाणिज्य से रिलेटेड कॉमर्शियल बैंक यहाँ पे आरबीआई
है। दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोगों के इस क्वेश्चन में जो है दोस्तों कन्फ्यूजन होने वाला है। प्राइवेट बैंक भी नहीं है, बैंक्स ऑफ बैंक भी नहीं है, और दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक भी नहीं है, यह है कॉमर्शियल बैंक। दोस्तों यहाँ पर 14 क्वेश्चन जो निकल कर आता है मैथमेटिक्स के अंदर, यानी रीजनिंग का भी ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 13,601 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 87। यानी दोस्तों एक ऐसा, इन चार ऑप्शन में से दोस्तों एक, इनमें से एक आंसर सही है जो कि सब्ट्रैक्ट होगा 13,601 में से और एग्जैक्ट डिवाइड होगा 87 से। 87 से डिविजिबल होगा तब होगा जब इन चार में से एक संख्या जो है 13,601 में से माइनस की जाए, यानी घटाई जाए, तब जो है 87 से डिवाइड होने वाला है एक डिविजिबल नंबर बनेगा। तो दोस्तों इसका लॉन्ग मेथड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप 13,601 में से इन चारों नंबर को जो है डिवाइड कर, सॉरी माइनस करके या फिर घटा करके दोस्तों उसको 87 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर परफेक्ट आता है दोस्तों वहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो 87 को 155 से डिवाइड करें तो दोस्तों यहाँ इंटू करें तो दोस्तों यहाँ पर समथिंग इसके अप्रॉक्स बनता है, जिसमें से कि हम 29 यहाँ पर माइनस कर लेते हैं तो दोस्तों इस तरह का यहाँ पर डिविजिबल हो जाता है 87 से। इसका दोस्तों ट्रिक है मेरे पास है दोस्तों, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मैथमेटिक्स के जो मैं अभी इस नया बनाने वाला हूँ, इसका नया वीडियो बनाने वाला हूँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी, उसमें ट्रिक मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें मैंने लॉन्ग टर्म ही यूज़ किया है, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगला वीडियो आप जरूर देखिए और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 15 क्वेश्चन जो कि मैं आपको यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसके वीडियो लंबा होने वाला है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 0.09 × 0.008 = यानी कि दोस्तों यहाँ पे दो नंबर दिए गए हैं इंटू करके, जिसमें कि डेसिमल्स नंबर हैं दोनों। इस दोस्तों इसको जो है आपको सॉर्ट आउट कैसे करना है या फिर इसको क्विकली इसको कैसे देना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात देखिए, 9 और 8, 9 8 72 72 सब में आपको दिख रहा होगा, लेकिन अब इसमें जो है डेसिमल का खेल है। तो डेसिमल दोस्तों आपका किस तरह लगता है जब इनटू होता है, जब दोस्तों इनटू जब डेसिमल होगा, डेसिमल वाले जब दो संख्याएं इनटू होती है तो दोस्तों ये इनकी जो डेसिमल होता है वो इनटू हो जाता है, यानी यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने संख्या है इसमें, यानी कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर डेसिमल के बाद यहाँ पे कितनी संख्या है, यहाँ पे दोस्तों दी जा रही है 09 दो संख्या है, और यहाँ पर 008 यानी तीन संख्या डेसिमल के बाद यहाँ पर हैं और दो संख्या डेसिमल के बाद यहाँ पर दी जा रही है। तो दोस्तों इस तरह का यहाँ पे दो यहाँ से और तीन यहाँ से, यानी दो और तीन पाँच, यानी पाँच संख्या से पहले यहाँ पर डेसिमल लगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी, सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 यानी पाँच संख्याएं लास्ट में आ जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर डेसिमल का यूज़ किया जाएगा, यानी इनटू हो जाएगा यहाँ पर डेसिमल। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सकता है। दोस्तों आप जो है आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर लाइक करते हैं दोस्तों तो मैं इसी तरह की नई वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। और दोस्तों प्लीज़ जो है टेस्ट सीरीज़ को देखते जाइए, इसी से क्वेश्चन बनने वाला है, और मैं कल ही एक जो है इस पर अभी वीडियो डालने वाला हूँ। और दोस्तों अभी मैं शॉर्ट ट्रिक क्या क्या आपको करंट अफेयर में पढ़ना है उस तरह की मैं वीडियो अभी डालने वाला हूँ, उसका जो है शॉर्ट फॉर्म में अभी यहाँ पर डालने वाला हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए, मैं आपको जो है शाम तक इसका नेक्स्ट वीडियो भी जो है प्रेफर कर दूंगा। दोस्तों बने रहिए जे मोटिवेशन के साथ, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।